हेलो दोस्तों, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल न्यू ब्लॉग न्यू वीडियो, सबका स्वागत है। दोस्तों क्या चल रहा है हमारे यूट्यूब फैमिली का, क्या हाल है जी? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों आज बहुत तेज हवा भी चल रही है, मौसम पूरा एकदम मस्त वाला हो रहा है। जैसे आप सब लोगों को पता ही है, एशिया कप का दौर तो अभी थोड़ा आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, अभी थोड़ा ही बचा है। तो देखो हम फिर बहुत दिनों के बाद फिर आ चुके हैं हम अपनी पार्किंग के अंदर, क्योंकि जैसे आप सब लोगों को पता ही था कि एशिया कप के चलते अपनी पार्किंग कुछ दिन के लिए कर दी थी बंद, तो अभी फिर दोबारा से कर दी है ओपन। तो आज ही ओपन की है, तो अभी आप देख सकते हैं आज फिर हम वहाँ पर पार्किंग में आ गए। तो अपनी गाड़ी यहीं पे पीछे खड़ी है, पार्किंग में लगा रखी है। तो ये बैरिकेड भी आज ही खोले हैं इन्होंने, तो आज अपनी ये पार्किंग ओपन है, अब कंटिन्यू ओपन रहेगी। तो अभी मैच चल रहे हैं, तो जो इस स्टेडियम में मैच थे वो अभी कंप्लीट हो गए हैं, जो कि आज एक मैच है और एक कल मैच है। जो कि एक आज मैच है साउथ कोरिया जॉर्डन। अपने ब्लॉग्स के अंदर भी पूरा जॉर्डन ही हो रहा है। तो आज जॉर्डन वर्सेस साउथ कोरिया का मैच है, देखते हैं उसमें कौन जीतता है। तो और सेकंड अपना कतर इराक का मैच बचा है, और एशिया कप भी जल्दी ख़त्म होने वाला है यार। दोस्तों हम बहुत मिस करेंगे, हमने बहुत दिन एंजॉय किया, अभी खाली बस दो तीन ही मैच बचे हैं, तीन ही मैच बचे हैं समझो, एक आज हो जाएगा, एक कल हो जाएगा, फिर एक फाइनल बचेगा। जो भी यहाँ से जीतेगा सीधा फाइनल में, जो यहाँ से हारेगा सीधा घर को, वो इस रेस से बाहर हो जाएगा यहीं पे। तो खाली बस एक कदम दूर है ट्रॉफी से, कौन जीतेगा इन चार टीमों में से आई डोंट नो, अपने को भी पता नहीं है, ये तो ऊपर वाले को पता है कि कौन इस ट्रॉफी को हाथ लगाएगा, कौन हाथ में उठाएगा, इन चार टीमों में से कौन लेके जाएगा अपने घर ये एशिया कप, तो वो भी पता चल जाएगा, वो भी आप लोगों को अपडेट करेंगे। जैसे एशिया कप तो अभी ख़त्म होने वाला है, उसके बीच बीच वॉलंटियर का हमारा अभी भी काम थोड़ा बहुत चल ही रहा है। तो हमारी ड्यूटी तो वैसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, अपनी छः ही दिन ड्यूटी थी, तो वो अपनी सिक्स डेज ख़त्म हो गए। तो खाली अभी अपने को क्या है कि कुछ पार्टी वाल्टी होगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज अपने पास एक सुबह सुबह मेल भी आई थी, तो वो लोग बोलते थे कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया, मेहनत की है, तो आप लोग आएँ हमारे पास और अपना गिफ्ट, प्यारा सा अपना गिफ्ट लेके जाएँ। तो अभी चल के देखते हैं क्या अपने को गिफ्ट देते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो उन लोगों ने अपने को इनवाइट किया है कि आप लोग आओ, मोस्ट वेलकम हमारे पास, आप लोग अपना गिफ्ट कलेक्ट करके लेके जाओ। आप लोगों ने हमारे साथ मिल के काम किया, बहुत अच्छा लगा, एशिया कप वाले बोल रहे, वॉलंटियर्स वाले बोल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, अभी हम अपना गिफ्ट ही ले आते हैं पहले, क्योंकि आप लोगों को दिखाना है ना, तो हम गिफ्ट लेके आते हैं फिर बातें करेंगे। ओके तो चलिए ठीक है दोस्तों, अभी निकलते हैं हम। हम ट्रैवल करके पहुंच चुके हैं सेम अपनी वही लोकेशन पे डीईसी में। तो आप लोग बने रहे हमारे ब्लॉग्स के अंदर। तो अपने बिल्कुल सामने ही है डीईसी दोहा एग्जीबिशन सेंटर, ये वाला आप देख सकते हैं। तो अभी हम यहीं पे चलेंगे अंदर, तो चल के देखते हैं क्या स्पेशल है। ओके तो बने रहे हमारे साथ, तो अंदर चल के मिलते हैं, क्योंकि बाहर यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गाड़ी में सोचा रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो बहुत तेज़ हवा चल रही है, कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं, तो मिलते हैं वहीं पे चल के। ओके
प्यारे प्यारे गिफ्ट यहाँ पे अपने पास है। तो जो हम लोगों ने वहाँ पे मेहनत की इतने दिन 6 डेज, उसका अपने को प्यारे गिफ्ट मिल गया है, तो बहुत ही बढ़िया, तो बहुत ही बढ़िया मज़ा भी आया वहाँ पे दोस्तों के साथ भी मिल के, तो थोड़ी बातें बातें भी की, इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, अभी निकलते हैं।